Hello dear students, today we are going to start the second part of the chapter Three Men in a Boat. So before we start the chapter, let us first revise what we have read in the first part. So we have read that in the first part there were four friends. They were George, William Samuel Harris and myself, that means the writer of the story, and Montmorency. So Montmorency was their dog. They were sitting in a room and they were talking about their health conditions. The writer was suffering from liver disorder. He was suffering from liver disease and he was taking medicines. Okay. So let's begin the second part. It is the most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being forced to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. So the writer is telling that it is the most extraordinary thing, but I have never read a patent medicine advertisement without being forced to the conclusion that he is suffering from a particular disease. That means that the writer jo the wo kabhi bhi bina karan kisi मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट का जो लिफलेट होता है, जो टोकन्स होता है, वो नहीं पढ़ते या जो पोस्टर्स होते हैं, पर इस बार वो पढ़ रहे थे क्योंकि उनका लीवर का एक डिसऑर्डर था और उस एडवर्टाइजमेंट में उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था. ओके, वायरलेंट का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जो डिजीज़ इन्फेक्ट करता है, क्योंकि राइटर का लीवर में इन्फेक्शन था. द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव परफेक्ट. और वो जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ लिखा था, वो सब चीज़ उनके डिजीज़ के बारे में मिल रहा था. उनके शरीर में जिस तरह का डिजीज़ था, वो सब डिजीज़ के बारे में उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था और वो पढ़ रहे थे. और पढ़ते पढ़ते उन्होंने याद किया कि आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट ऑफ सम स्लाइट एलिमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच. और वो एक बार ब्रिटिश म्यूजियम में गए थे उस बीमारी के बारे में पढ़ने के लिए. वहाँ पे लगा हुआ था जो बीमारी उनके शरीर में था, हे फीवर. हे फीवर का मतलब होता है एक तरह का फीवर जो हवा के वजह से होता है, जिसके कारण इसका सिम्टम्स ये है कि आँखों में खुजली होती है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो उस बीमारी का सिम्टम्स है. तो उस तरह का बीमारी से भी राइटर जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे राइटर. आई फैंसी इट वॉज आई गॉट डाउन द बुक एंड रेड ऑल आई केम टू रेड एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट I idly turned the leaves and began to lazily study diseases generally. तो क्या कह रहे थे कि वो ब्रिटिश म्यूजियम में जाने के बाद एक बुक लिए, जिस बुक में उनके डिजीज के बारे में लिखा था, और वो बैठ के पढ़ने लगे. ओके, वो बुक का जो पेजेस है, वो पेजेस वो पलटते गए और उस डिजीज के बारे में पढ़ते गए. I forget which was the first distemper I plunged into some fearful devastating scrum. I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me and I had fairly got it. तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि I forget which was the first distemper I plunged into some fearful devastating scrum. तो राइटर भूल गए थे कि उनके अंदर क्या डिस्टेंपर का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज, क्या इन्फेक्शन वाला डिजीज़ है. जब वो पढ़ते गए, वो समझने लगे कि उस बुक में जो सिम्टम्स है, वो सारे सिम्टम्स उनके अंदर है. आई प्लांग्ड इनटू सम फियरफुल डेवास्टेटिंग स्क्रम.
और वो पढ़ने के बाद उनके अंदर डर सा आ गया, वो डरने लगे क्योंकि वो उस बीमारी से गूंज रहे थे पर उनको नहीं पता था. ओके, ही वॉज गोइंग थ्रू दिस डिजीज बट आफ्टर रीडिंग दो सिम्टम्स ही बिगेन टू नो दैट ही सफरिंग फ्रॉम द डिजीज एंड बिफोर दैट ही डिडंट नो. एंड बिफोर आई जस्ट हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स इट वॉज ब्रोन इन अपन मी एंड आई हैड फेयरली गॉट इट. प्री मॉनिटरी का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट दैट इज गोइंग टू हैपन. और वो नो पढ़ते पढ़ते जब आधा उन्होंने पढ़ लिया उनको ये रियलाइज हुआ कि उनके साथ भी इस बीमारी के वजह से ऐसा कुछ होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं. तो क्या होता है जब हमको किसी बीमारी का अंदाज़ा नहीं होता है, किसी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और जब उन बीमारी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम जानते हैं, तो वो सब जानने के बाद क्या होता है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारे अंदर भी ये बीमारी है, तब हम डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट पैरा वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू हैव माई नंबर, यू कैन टेक्स्ट मी एंड यू कैन ऑल्सो यू नो कॉल मी. एंड टिल देन यू डू वन थिंग, यू राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर मेन कॉपी. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर very nicely. Till then, thank you.